हाय, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ चिन्मलाल। मेरा चैनल का नाम लाइफ टाइम जर्नी लाल माटी। ये छोटा सा नज़ारा जो ये बरुणी पहाड़ है, वो बारिश के मौसम में ना जैसे शिमला ऊटी जैसे लग रहा है ना, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा, इससे ज़्यादा नहीं, फिर भी यहाँ भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब धुंधार बारिश में अंदर जो बादल और पहाड़ बीच में जो दूसरे दिख रहा है ना, वही है। ठीक है, हम तो यहाँ का नज़ारा आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। तो यहाँ भी आसपास हरियाले हरियाल है, और हरियाल के अंदर जो बारिश हो रहा है और थोड़ा नज़र दिख रहा है, इसको ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद मेरा छोटा फार्म देखिए, ये बैंगन का पौधा है। इसके पौधे में नाल बना कर इसे पौधे को ऐसे ऐसे बना रहा है जैसे बड़ा हो जाए। इसके बाद फार्म में आदमी लग रहा है, आदमी और औरत भी दोनों लग रहे हैं। वो हमारा जानते हैं, इसको हम लेबर नहीं बोलते हैं, हमारा जान का अपने आदमी हैं सब। देखो पौधे को कितना प्यारा सा और कितना सोच समझ कर काम कर रहा है। ऐसे काम करोगे पौधे आपका आहिस्ता आहिस्ता प्यार भर के इतना पौधा बड़ा होगा, इतना फल फूल देगा। इसी तरह बीच बीच में छोड़कर एक लाइन में बनाकर बैगन पेड़ को इस तरह पौधे को इस तरह लगाना चाहिए। तो पेड़ नहीं पौधा है। देखिए इस घोड़ा को वो घोड़ी से माध्यम से इसी घोड़ा को अंदर पौधे को इसके अंदर दे रहा है। और इसमें क्या होगा ना, जैसे पौधा बड़ा होगा वो ग्रोथ करेगा और इधर उधर गिरेगा नहीं, बड़ा गत होगा। इतना बड़ा नहीं, क्योंकि पौधे के अनुसार वो बड़ा गत हो जाएगा। इसी पहले से अब हुड़ा पटे के दोगे तो पौधे को परेशान नहीं होगा, और जैसे फल फूल देगा वो नीचे गिरेगा नहीं, ऐसे स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत पहले से लगे, वो बारिश नहीं हुआ, बाद में बारिश हुआ, फिर काकड़ी लगाया था और नीचे भी जो घास फूस हो गया, काकड़ी लगाया था, चूमा लगा, इसमें जन्ही लगाया था और कलरा लगाया था। क्या ना, पहले लगा दिया था, उसके बारिश बंद हो गया, उसके बाद बारिश हो गया, इसीलिए सब थोड़ा बहुत क्या बोलो क्षति हो गया। देखिए यह का काम देखे, वहाँ का काम देखे, ये आराम से और क्या, इसे पेड़ ऐसे छोड़ दोगे तो पेड़ अच्छा नहीं होगा, बाद में पौधे ऐसे अच्छा नहीं। इस तरफ देखोगे तो देखो ऐसे दुबड़ा बनाकर पौधे को कैसे बनाकर और पौधे को कैसे आराम से बनाकर पौधे जैसे नरम से और सुकून से अच्छा सा पौधा होगा तब फल देगा। ये भिंडी गच्छ है, ये भिंडी भी इसे हरियाला से अच्छा लग रहा है। इसको देखिए, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर और फल दे रहा है, और फल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं, फिर भी और कुछ दिन बाद ये फल ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, इस पौधे का भिंडी का फिर भी आनंद दे रहा है। देखो कितना हरियाली है और कितना अच्छा लग रहा है। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी आपको सुकून मिलेगा, देखने के लिए सुकून मिलेगा। और खाने पीने तो वो बात है, कि इसको फूल को ज़रा देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है, मुलायम लग रहा है। इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते फूल होगा और पौधे में भिंडी भर जाएगा, और हम भी कुछ कहेंगे और बाजार में कुछ भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नया पौधा लगाया है, नया नहीं हमारा ले लिया है, इसको पोई बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, कमेंट में लिख दीजिए। हाँ जी, ये पौधा भेज के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, नॉन भेज के लिए और अच्छा है। इसको हम ये कोस्टल एरिया है हमारे, इधर ना ज़्यादातर मछली मिलते हैं, और मछली के साथ इसको डाल कर जो घाट बनता है ना वो बेहतरीन लगता है, जल पौधा बन। ये कैसे लग रहा है भाई, आप हमको थोड़ा याद करिए और सब्सक्राइब करिए।